हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है उसकी लास्ट डेट थी 26 सितंबर फॉर्म फिलअप करने की। तो आज ही उसकी एक नई नोटिस आई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा CREV पाठ्यक्रम के लिए योग्य आयुर्वेदिक स्नातकों से आवेदन करने के संदर्भ में है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2021 थी। राष्ट्रीय संस्थान के प्रमुखों, छात्रों और संघों, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों से अनेक अभ्यावेदन 26 सितंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इंटर्नशिप पूरा करने की तिथि को शिथिल करने के लिए REV में प्राप्त हुए हैं। जैसा कि 2021 वर्तमान महामारी को देखते हुए स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के मामले में किया गया था, इस संबंध में प्राप्त अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि इंटर्नशिप की पूर्णता तिथि 31 दिसंबर 2021 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2021 होगी। परीक्षा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। CREV प्रवेश के लिए नई तारीख की घोषणा जल्द से जल्द ही की जाएगी। उम्मीदवारों को इस संबंध में आगे की सूचना, जानकारी, घोषणा के लिए नियमित रूप से REV की वेबसाइट देखते रहें। कहने का मतलब यह है कि पहले इंटर्नशिप कंप्लीशन की डेट इन्होंने मांगी थी 26 सितंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर अब थोड़ा सा नियमों में शिथिलता उन्होंने ला दी है कि अब इस साल के अंतिम तक जिनके इंटर्नशिप कंप्लीट होगी वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। और इसको देखते हुए उन्होंने फॉर्म भरने की डेट भी एक्सटेंड कर दी है। अभी मतलब जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जिन लोग सोच रहे थे कि मैं भरूंगा या भरूंगी और ऐसा सोचते सोचते ही जिनका समय निकल गया था, तो मैं चाहूँगा कि ये अब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई है गोल्डन कि हम इसमें फॉर्म एटलीस्ट फिलअप तो कर दें। एग्ज़ाम देना ना देना सेकेंडरी है, बट मेरी यही आप लोगों के लिए सुझाव होगा कि आप अब इसकी डेट, क्योंकि 3 अक्टूबर 2021 हो गई है, तो जिन लोगों से मिस हो गई थी फॉर्म, जिन लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी या जो लोग इस ऊहापोह की स्थिति में ही फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो लोग ज़रूर इस फॉर्म को भर दें और इसके लिए पढ़ाई तैयार लगातार जारी रखें, यही बेनिफिट रहेगा। तो अभी यही एक छोटा सा अपडेट था और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू।